सो हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। तो आज हम आ चुके हैं एक फ्रेश एपिसोड ऑफ गेम रिव्यूज को लेके आपके पास भाई। और आज का गेम के बारे में बात किया जाए तो ये है यूबीसॉफ्ट की तरफ से टॉम क्लैंसीज रेनबो सिक्स सीज। तो भाई इस वीडियो में हम लोग इसी गेम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, इसका क्वालिटी, ग्राफिक्स एंड ऑल। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं इस गेम का ओपनिंग स्क्रीन पे और इसका प्राइसेस, करंट प्राइसेस जो कि डिस्काउंटेड है, एंड उसके साथ साथ जो आपका स्पेसिफिकेशंस है वो अभी आपका स्क्रीन पर है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस गेम का ओवरऑल फीचर्स के बारे में। तो आप बहुत सिंपली देख सकते हो यहाँ पे आप होम ऑपरेटर्स एंड शॉप लिखा हुआ है। और एक बात और बता दूँ, अगर आप अभी डाउनलोड करते हो तो आपको थर्सडे तक शायद ये गेम फ्री में खेलने को मिल जाएगा। या तो एपिक गेम स्टोर से डाउनलोड करो, नहीं तो सीधा यूबीसॉफ्ट लॉन्चर से डाउनलोड कर लो, वो आप पे है। तो होम पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बटन मिलता है जहाँ पे आप एक न्यू कमर का मोड है और एक क्विक मैच है, उसके अलावा ट्रेनिंग ग्राउंड्स है, लर्निंग एरेना है एंड कस्टम गेम है भाई। तो इसके बाद अगर देखते जाए तो अटैकर्स है, अटैकर्स में आपको अटैकर सिलेक्ट करने को मिल जाता है एंड डिफेंडर्स में आपको डिफेंडर्स मतलब सिलेक्ट करने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप रोस्टर्स परचेज कर सकते हो अपने लिए जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स का होता है, तो वो आप पे अगर आप लेते हो तो परचेज कर सकते हो भाई। तो यहाँ पे बूस्टर्स है शॉप में एंड सीजन पास एंड ऑल वो भी है भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो सीजन पास बेनिफिट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसका सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स में हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जनरल में आपको स्क्वाड प्राइवेसी, इनवाइट ओनली एंड ओपन टू फ्रेंड्स है, फिर मैच मेकिंग प्रेफरेंसेज, इंटरफेस प्रेफरेंस, पिंग एंड ऑल, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ऑडियो में आपको मेन ऑडियो इंग्लिश में मिलता है, सबटाइटल्स इंग्लिश में मिलता है एंड सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में होता है और बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। डिस्प्ले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फुल 60 हर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद फुल स्क्रीन 1080p दैट इज फुल HD। फिर ग्राफिक्स से बात किया जाए तो यहाँ पे आप टेक्सचर्स वगैरह सेट कर सकते हो, जो कि मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि कस्टम आप सेट कर सकते हो। बहुत जगह पे आपको ये जो भी आप करते हो वो लॉक कर लिया जाता है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है भाई। FPS लॉक्ड एंड ऑल मेरे को अच्छा नहीं लगता कभी, तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा नहीं लगा था। इसके अलावा बात करते हैं कि रॉ इनपुट वगैरह का, तो भाई कंट्रोल्स तो एकदम मक्खन है गेम का मेरे को जितना अभी तक लगा है। तो चलो अभी हम लोग आपको एक मैच में एक दो किल्स करके दिखाते हैं। भाई मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं सोलो गेम खेलने जा रहा हूँ और सामने वाला ट्रेनिंग ग्राउंड्स का स्क्वाड होने वाला है, तो भाई हार्डली एक या दो किल मैं निकाल पाऊंगा, बाद में मैं मर सकता हूँ। तो प्रिपेयर्ड रहे उस सिचुएशन के लिए कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो हम लोग अभी लोन वुल्फ पे सिलेक्ट करने वाले हैं एंड आगे बढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा है जो मेन गेम स्क्रीन है। हाँ यहाँ पे आपको अगर देखे तो यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे को नहीं पता क्यों दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ ग्राफिक्स को कम करने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, इसके आगे भी देखते हैं। तो भाई अगर आपको ये ऐसा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले तो मेरे हिसाब से आपको जरूर से इसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए कस्टम सेटिंग्स से, जो कि मैंने नहीं किया था। तो अभी मैं आपको कंट्रोल्स भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको शायद से ये जो लोकेशंस है, ये लोकेशंस आपको दिखाते रहते हैं कि आप कहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हो। मूवमेंट का बात किया जाए तो हाँ
60 हर्ट्ज पे ये थोड़ा सा तो लैगी चल रहा है, अगर आप 60 हर्ट्ज पे देखते हो तो 60 हर्ट्ज के हिसाब से लैगी तो चल रहा है। एंड यहाँ पे आपका जो भी काउच एंड ऑल है वो डायरेक्टली नहीं चलता है, उसके लिए आपको फिर कंट्रोल्स वगैरह यूज करना पड़ता है। एंड अभी तो हम जा रहे हैं लोगों को ढूंढने, तो आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। ये किस बात का आई डोंट नो, किस बात के फेंक के रखा है इन लोगों ने, बट स्टिल आई डोंट नो। यहाँ पे आप आराम से ऐसे काम कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि किल्स अगर अपने स्लेथ किल करने में कामयाब रह गए ना, फिर भाई आपकी जय जय है भाई, और क्या बोले। कोई तो था उधर। ओ भाई साहब कोई तो है उधर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि कटसिंस तो काफी आसान होता है इसमें, कटसिंस तो काफी तगड़ा देखने को मिल जाता है आपको। अच्छा खासा देखने को मिलता है यहाँ पे आपको कट सीन्स भी। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं गेम का बाकी चीज। गेम का बाकी चीजों के बारे में तो भाई यहाँ पे तो मतलब एक टाइप से बोला जाए तो गेम का इन लोगों ने मतलब बहुत ही सही इन लोगों ने डिजाइन कर रखा है गेम को। तो भाई यहाँ पे टीम को एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई मैं अकेला बंदा हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि सामने वाले के पास बहुत सारा प्लेयर्स होता है जैसे कि आपको पता है। सो बाकी अभी हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट मैच के तरफ, मतलब नेक्स्ट मैच नहीं बल्कि गेम के एंड के तरफ, तो जैसे कि आपको एक बार ही आपको दिखा सके हम कि कैसे होता है सारा चीजें, मैं एक बार ही आपको एग्जिट करके दिखा दूंगा फिर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारा मेन ओपनिंग स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सारा मेरे हिसाब से जो रेटिंग मैं देना चाहता हूँ गेम को उसका बारे में। तो पहले बात किया जाता है कि इसका गेम प्ले के बारे में। गेम प्ले के में इसको मैं 9 out of 10 दे सकता हूँ। लैग इश्यूज के बारे में भाई 7.5, लाइटिंग के बारे में 9.7, फायरिंग रेट एंड मेन फायर के बारे में अगर आपको बताएं तो इसमें आप 9.7 दे सकते हो इस गेम को। एंड ऑप्टिमाइजेशन का अगर बात किया जाए तो ऑप्टिमाइजेशन पे मैं इस गेम को आउट ऑफ 10 8.9 दे सकता हूँ। एंड वर्थ ऑफ इट्स प्राइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं इसको 9.4 दे सकता हूँ। तो ओवरऑल बात किया जाए गेम का तो इस गेम को आप इजीली 8.9 दे सकते हो ओवरऑल आउट ऑफ 10। अब भाई तो यही था इस गेम का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी हमारा इस चैनल पे अनाउंसमेंट होने वाला है मेरा 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम चैलेंज के बारे में, तो उसके लिए भी ट्यून्ड रहे आप। और इसके अलावा बात कर लेते हैं कि संडेज में मेरे को हर संडे मैं स्ट्रीम करता हूँ, अगर मेरे साथ आपको स्ट्रीम करना है तो नीचे दी गई डिस्कॉर्ड लिंक पे आप ज़रूर से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसा ही दमदार नए वीडियो में, टिल देन गुड बाय।